हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करेंगे और साथ ही साथ हम आपको इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आपके लड्डू दानेदार बनेंगे, खाते समय मुंह में चिपकेंगे नहीं और लंबे समय तक आप बेसन के लड्डुओं को स्टोर कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बेसन के लड्डू बनाना शुरू करते हैं और साथ ही हम आपको इसकी सामग्री भी बताते जाएंगे। वैसे तो बेसन के लड्डू मोटे वाले बेसन से बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोटा बेसन घर पर नहीं है तो आप ये लड्डू महीन बेसन से भी दानेदार बना सकते हैं। चलिए बेसन के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है जिसे मैंने गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब हम कढ़ाई में लगभग 2 टेबल स्पून घी डालेंगे, ये देखिए, और ये दूसरा टेबल स्पून। और अब हम घी को गर्म होने देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया है और घी मैंने 1/2 कटोरी लिया है, लेकिन मैंने 1/2 ही घी यूज किया है, 1/2 घी मैंने बचा लिया है। जब घी गर्म हो जाएगा तो जो आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं लड्डू में, उन्हें आप घी में डाल करके हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा और उन्हें निकाल लीजिएगा। हम यहाँ पर केवल काजू डालेंगे जिन्हें मैंने 1 काजू के 2 हिस्से कर लिए हैं, ये देखिए, और इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब काजू हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, काजू हमारे हल्के से लाइट ब्राउन हो गए थे और हमने इन्हें निकाल लिया है। आप जो ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें आप उन्हें डाल करके ऐसे ही हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा ताकि इनकी जो है नमी खत्म हो जाए। अब हम इसी घी में बेसन डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया है, ये देखिए, इसे डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद बेसन को हम धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे और जो इसमें गुल्थियां पड़ गई हैं उनको हम स्पैटुला से दबाते हुए फोड़ देंगे, ये देखिए ऐसे। अगर आप बेसन को तेज आंच में भूनेंगे तो बेसन कच्चा रह जाएगा और जब लड्डू बनाकर आप उन्हें खाएंगे तो वो आपके मुंह में चिपकेंगे, इसीलिए हम बेसन को धीमी आंच पर भूनेंगे और बेसन को हम बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो बेसन कढ़ाई की तली में लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन भुन गया है और बेसन से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है और बेसन का कलर भी चेंज हो गया है, मगर इसमें अभी हमें घी थोड़ा कम लग रहा है। आप चाहें तो अभी घी ऐड कर सकते हैं अगर आपको घी कम लगे, या जब आप लड्डू बनाएं तब आप घी को और ऐड कर सकते हैं। तो मुझे अभी इसमें घी कम लग रहा है क्योंकि जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो लड्डू हमारे नहीं बंधेंगे, इसलिए हम अभी इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे, इसीलिए मैंने घी बचाकर रख लिया था। और इसको भी हम मिक्स करके भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 चम्मच घी ऐड करने पर बेसन हल्का सा, देखिए, गीला हो गया है। अब हम इसे भी 5 मिनट भून लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन में 4 टेबल स्पून भर करके घी लिया था, 4 टेबल स्पून मतलब 1/2 कटोरी घी लिया था, जिसमें मैंने शुरू में 2 टेबल स्पून घी ऐड किया था, लेकिन मुझे घी थोड़ा कम लगा तो मैंने 1 टेबल स्पून घी और ऐड किया, यानी मैंने यहाँ पर टोटल 3 टेबल स्पून भर करके घी ऐड किया है। अब हम बेसन को थोड़ा सा दानेदार बनाने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे, ये देखिए। और इसे भून लेंगे इतना कि इसका ये जो पानी हमने डाला है ये जल जाए।
और बेसन भी दानेदार हो जाएगा। बेसन जितना अच्छा भुनेगा लड्डू उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और बेसन को ठंडा होने देंगे, क्योंकि अगर हम गरम बेसन में चीनी मिला देंगे तो बेसन पतला हो जाएगा और लड्डू नहीं बन पाएंगे। हमने बेसन में घी इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐड किया है क्योंकि अगर घी ज्यादा हो जाएगा तब भी लड्डुओं को बांधने में दिक्कत आएगी। फ्रेंड्स, हम लड्डुओं में पिसी चीनी का यूज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, हम बेसन के लड्डू में तगार या बूरा, इसको बूरा भी कहते हैं, हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि बूरे से बने हुए बेसन के लड्डू दानेदार होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। बेसन के लड्डू जल्दी खराब नहीं होते। और बूरा कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन ठंडा हो चुका है। इसे हमें बहुत ठंडा नहीं करना है, इतना करना है कि हम इसे आसानी से हाथों से छू सकें। जब बेसन ठंडा हो जाएगा, यानी उसको हम हाथों से छू सकते हैं, इतना ठंडा हो जाएगा, तब हम इसमें मिलाएंगे चीनी का बूरा। हम यहाँ पर एक कटोरी बेसन में आधी कटोरी चीनी का बूरा मिला रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलाइएगा। चीनी का बूरा मिलाने के बाद साथ में हम मिलाएंगे काजू, जिसे हमने फ्राई किया था, और इन सभी को हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इन्हें हम मिक्स कर देंगे, पर इस स्पैटुला से इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने सारी सामग्री को बेसन में मिक्स कर लिया है। अब हम इनके लड्डू बनाएंगे। लड्डू आपको जिस साइज में बनाने हैं, छोटे या बड़े, उस साइज के हिसाब से आप मिश्रण को ले लीजिए और उसकी एक बॉल बना लीजिए। ये देखिए, और उसके बाद हाथों से ऐसे गोल गोल घुमा दीजिए। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, बेसन के हिसाब से सारी सामग्री का यूज कीजिएगा। बेसन पर भी घी की मात्रा डिपेंड करती है, और बेसन के लड्डू बनाने में कोशिश कीजिए कि मोटा बेसन यूज करें और पिसी हुई चीनी की जगह चीनी का बूरा या तगार यूज करें, ताकि आपके बेसन के लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसे और परफेक्ट बने। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये लड्डुओं की रेसिपी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।